हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैनरी स्कूल। बेटा आज हम अपने रीडर की बुक का लेसन 15 द नाइट ऑफ द लॉयन इसे एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर है हमारा 102। लेट अस स्टार्ट द लेसन। वन डे डॉन क्रिस्टो एंड हिज फेथफुल स्क्वायर वर राइडिंग अलोन इन डस्टी रोड एंड सेंचो वाज कैरिंग हिज मास्टर्स helmet because the weather was too hot for him to wear it. Ek din Don Quixote and uska wafadar squire yanki ghode dusty road dhool mitti wali road par ja rahe the, uske upar swar hoke ja raha tha. Saath mein Sancho apne malik ka helmet lekar uske saath tha kyunki mausam बहुत गर्म था, इसीलिए पहनने के लिए हेलमेट को लिया हुआ था। दे वर वेरी थर्स्टी, वे बहुत प्यासे थे। एंड सेंचो लेफ्ट हिज मास्टर टू राइड ऑफ टू ए फार्म नियर बाय टू गेट सम मिल्क। सेंचो को उसके मालिक ने एक फार्म के पास उतार दिया कुछ दूध लेने के लिए। एज ही वॉज वेटिंग फॉर द मिल्क ए वैगन केम अलोंग द रोड टूवर्ड्स डॉन क्रिस्टो। जैसे ही वे दूध के लिए इंतजार कर रहा था, एक वैगन एक गाड़ी रोड के पास जहाँ पर डॉन क्रिस्टो खड़ा हुआ था पास में आई। लिटिल रेड एंड येलो फ्लैग वर फ्लटरिंग ऑन द टॉप ऑफ इट सो दैट इट लुक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। उस गाड़ी के ऊपर रेड और येलो कलर के जो फ्लैग थे लहरा रहे थे और उन फ्लैग के कारण, रेड और येलो फ्लैग के कारण गाड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लग रही थी। आ अ न्यू एडवेंचर फॉर मी, अरे ये तो मेरे लिए बहुत ही एक नया एडवेंचर है, डॉन क्रिस्टो थॉट हैप्पली एंड ही शाउटेड टू सेंचो टू ब्रिंग हिज हेलमेट। डॉन क्रिस्टो ने खुश होकर सोचा और उसने सेंचो को बुलाया कि मेरा हेलमेट लेकर आओ। सेंचो हैड नो टाइम टू वेट फॉर ए बेसन टू बी ब्रॉट एंड सो द फार्मर्स वाइफ पॉट द मिल्क इनटू द हेलमेट। सेंचो के पास इतना समय नहीं था कि वो एक बर्तन, बेसन मीन्स होता बर्तन जिसमें दूध डाला जाएगा, उसके लिए इंतजार नहीं की। और जो फार्मर की वाइफ थी उसने दूध हेलमेट में डाल दिया। सेंचो रस्ट back to his master who said give me my helmet quick. Sancho दौड़ कर वापस अपने मालिक के पास गया और उसने कहा, मालिक ने कहा कि मेरा हेलमेट जल्दी से मुझे दो। Here is a new adventure, यहाँ एक नया adventure है and I must be ready for it, और मुझे इसके लिए तैयार होना है। It is only a wagon with flag on it, उसके ऊपर केवल फ्लैग है। डॉन क्रिस्टो सेड, डॉन क्रिस्टो ने कहा, बट आई नो दैट देर इज एन इविल मैजिशियन हिडन इनसाइड इट, लेकिन मैं जानता हूँ इसके अंदर कोई जादूगर छिपा हुआ है। परहैप्स ए विक्ड जेंट, शायद एक बुरा दानव। क्विक सेंचो माई हेलमेट, सेंचो जल्दी से मेरा हेलमेट दे दो। He seized his helmet from the Sancho hands. उसने ज़बरदस्ती सेंचो के हाथ से हेलमेट खींच लिया। Before Sancho could do anything to stop it, इससे पहले कि सेंचो कुछ कर पाता उसे रोकने के लिए, He had placed it on his head. उसने इसे अपने सर के ऊपर रख लिया। The milk came streaming down his face. सारा का सारा दूध उसके फेस के ऊपर बह गया। किसके फेस पर? डॉन क्रिस्टो के। What is happening, Sancho? He asked in dismay. उसने बड़ा बेचैन होकर कहा कि सेंचो ये क्या हो रहा है? Is my brain melting? क्या मेरा दिमाग पिघल रहा है? और is it sweating cold sweat? क्या मेरे मतलब कि दिमाग में से ठंडा पसीना बह रहा है? इट मस्ट मीन दैट सम ग्रेट एडवेंचर इज कमिंग माई वे, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ा एडवेंचर
मेरे रास्ते में आ रहा है। पेज नंबर 103 पर आ जाओ बेटा, 103 पर। द वैगन वाज क्वाइट नियर देम, और जो गाड़ी थी बिल्कुल पास में थी। ए मैन वाज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ इट, द ड्राइवर वाज राइडिंग ऑन वन ऑफ द म्यूल्स दैट पुल्ड इट अलोन। एक आदमी सबसे ऊपर टॉप पर बैठा हुआ था, और ड्राइवर एक ड्राइवर था जो मूल से था खच्चर को, खच्चर उसको चला रहे थे, खींच रहे थे उस गाड़ी को। डॉन क्रिस्टो रोड अप टू द वैगन, जो डॉन क्रिस्टो था गाड़ी के ऊपर आ गया। वेयर आर यू गोइंग माई फ्रेंड्स, ई आस्क्ड, उसने पूछा, मेरे फ्रेंड तुम कहाँ जा रहे हो? वट हैव यू गॉट इन यूर वैगन, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? एंड वाई ऑल दोज फ्लैग फ्लाई, वे जो फ्लैग क्यों उड़ रहे हैं? इट इज़ माई वैगन, द ड्राइवर आंसर्ड। ड्राइवर ने आंसर दिया, ये मेरी गाड़ी है। एंड इन साइड देयर इज़ अ लॉयन, इसके अंदर एक शेर है। दैट आई एम टेकिंग टू द किंग, मैं इसे किंग के लिए लेकर जा रहा हूँ। द फ्लैग आर फ्लाइंग टू शो दैट द लॉयन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द किंग, जो ये फ्लैग उड़ रहे हैं ना, ये शो कर रहे हैं कि जो ये लॉयन है ना, किंग की प्रॉपर्टी है। बेटा आप इस लेसन को यहीं तक रीड करोगे, और इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न करोगे। थैंक्स।